आज 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में कहीं ना कहीं जीत हासिल की है, एक में आम आदमी पार्टी के। और जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के विक्रम कादियान हैं, यहाँ पर कप्तान बिरधाना है, नीरज है। और लगातार कहीं ना कहीं पहले ही होली से पहले होली खेली गई और लगातार ढोल नगाड़ों के साथ कुछ जिला अध्यक्ष भी नाचते नजर आए। जनाब, जो कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर मिल रही है, किससे कड़ी टक्कर मिल रही थी 4 राज्यों में, तो भारतीय जनता पार्टी फिर से आ गई। देखिए, मीडिया ही अपने आप को ये मेरे ख्याल से कड़ी टक्कर मान रहा था। एक तरफा जीत हुई, पहले भी जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत जो है उत्तर प्रदेश में था, उत्तराखंड में था, 3 राज्यों में तो हमने रिपीट किया और बहुत अच्छे तरीके से रिपीट किया। ऐसा नहीं कि कोई टक्कर, हमारी टक्कर में कोई रहा नहीं। 4 राज्यों में जो है वो आम जनता ने जो है वो जो जिस प्रकार का आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करके, तो ये एक तरीके से कि आम जनमानस की जीत है। और जो गरीब आदमी को, भाई साहब, जो गरीब आदमी के लिए जो काम किया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने, ये उसकी जीत है। ये हर उस अंत्योदय के जो किए हुए कामों की जीत है। और इसमें कोई मुकाबला ही नहीं। जो विपक्ष की बात कर रहे थे, यहाँ जाट बेल्ट, अब तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन एक समय बड़ी टेंशन बढ़ा दी गई थी। जब आप परीक्षा कोई भी हो उसमें मेहनत करना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जानता है। और किसी छोटे से छोटे इम्तिहान को भाजपा का कार्यकर्ता या कोई भी मेधावी छात्र जो है वो हल्के में नहीं लेना चाहता। तो हर परीक्षा में पार करेंगे और जनता का विश्वास जीतने का काम करेंगे। इसी प्रकार से लोगों का दिल भी जीतेंगे और विश्वास भी जीतेंगे। 300 प्लस का जो नारा था वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रह गया था कि 300 प्लस होता तो जो लगातार मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, या आश्वस्त कर रहे थे कि 300 प्लस होंगे, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम मिले। देखिए, 300 प्लस से कम भी नहीं है ये इतना बड़ा जो बहुमत है, 300 कहाँ है, बहुत बड़ा जो आंकड़ा है ये 300 पार किया था, जो 325 के आसपास जो पार किया था, लेकिन ये उससे कम किसी तरीके से नहीं किया जा सकता। हाँ, विपक्ष में तो चीजें रहती हैं, बहुत सारे समीकरण बदलते हैं। कहाँ छोड़ा है सर, एक कांग्रेस कहीं ना कहीं पंजाब में थी, वो पंजाब में तो रहा हूँ। सारे के सारे लोग जो है वो एक साथ इकट्ठा होने के बाद भी जब हमारा प्रचंड बहुमत है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं भारत की जनता जो है भाजपा के पक्ष में। पंजाब में आप नहीं बना पाए तो आम आदमी पार्टी को बनवा दिया, यानी कांग्रेस को सुपड़ा साहब, जो लगातार 2014 में मोदी कह रहे थे। ऐसे कोई वो नहीं होता। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं भी हारा हुआ कैंडिडेट हूँ। मैं हम बनवाना और वो करना वो हमारे हाथ में नहीं होता, वो सब जनता के हाथ में। ईवीएम पर भी ठीकरा फोड़ा गया था, खुद अखिलेश यहाँ पर पहुंचे थे, अखिलेश लगातार प्रेस वार्ता करके बता रहे थे ईवीएम सेफ नहीं है, ईवीएम का घोटाला। वो क्या कर सकते हैं, वो कर नहीं सकते, आराम से वो कर, वो किया नहीं जा सकता। हम उससे क्या कहें।